गंगा जी ने मुझे कहा कि मेरे यहाँ लड़की है, उसका नाम प्रियंका है। तो आखिर प्रियंका को लेकर इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? कांग्रेस के चाणक्य और इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता माखनलाल फोतेदार की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रियंका को लेकर इंदिरा ने बहुत कुछ कहा था, वो सब का सब आपको बताएंगे, क्योंकि अब प्रियंका गांधी चर्चाओं, सुखबुगाहटों और दबी हुई जुबानों के पर्दों से निकलकर सामने आ खड़ी हुई हैं। वो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की महासचिव हैं। ये गांधी परिवार में एक नए युग की शुरुआत जैसा है और यही वक्त है ये जान लेने का कि आखिर इंदिरा ने प्रियंका के बारे में ऐसा क्या कहा था। इंदिरा जी ने मुझे कहा मेरे यहाँ लड़की है, उसका नाम प्रियंका है। वो उसका भविष्य बहुत अच्छा है। जब वो बड़ी हो जाएगी, थोड़ा बहुत सोची लगी है, लोग मुझे भूल जाएंगे, वो उसको याद करेंगे। इंदिरा यहीं नहीं रुकती, वो एक कदम और आगे जाती हैं। उनके मन ने प्रियंका के लिए कई ख्वाब बुन रखे थे। शायद यही वजह है कि वो प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर काबिज होने का सपना देखती थी। कम से कम फोतेदार तो यही बताते हैं। इंदिरा जी ने मुझे कहा देश के भविष्य के लिए जो मैं हूँ वो भी बन सकती है, और उनके हाथ में देश की कमान जिस वक्त रहेगी वो बहुत मजबूत रहेगी। विरोधी और आलोचक फोतेदार के बयान पर सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन इंदिरा को करीब से जानने वाले ये भी जानते हैं कि प्रियंका और राहुल में उनकी जान बसती थी। सियासी परिवेश में नई पीढ़ी के लिए ऐसे ख्यालात आसानी से समझे जा सकते हैं। प्रियंका में इंदिरा की छवि भी नजर आती है। याद कीजिए साल 2014 का चुनावी प्रचार। अमेठी और रायबरेली में प्रियंका ने ग्रामीणों के बीच इतना सहज अभियान चलाया कि लोग उनके मुरीद हो गए। हैंडलूम की साड़ी में एसपीजी से बेपरवाह लोगों के बीच हिलती मिलती प्रियंका अक्सर इंदिरा गांधी की याद दिलाती हैं। वो अपनी सौम्य मुस्कुराहट से जनता को कायल करना बखूबी जानती हैं। ये बेवजह नहीं है कि 2016 के दौरान उनकी तुलना इंदिरा से करते हुए कई पोस्टर पहले राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश में भी नजर आए। प्रियंका बेबाक हैं, बेलौस हैं, उनकी जुबान बेहद साफ है, भाषणों का तेवर भी जहां जरूरत हो वहां नरम और जहां जरूरत हो वहां भरपूर हमलावर। वो अपने भाषणों में इंदिरा गांधी को याद करना नहीं भूलती। मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर, जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। बतौर महासचिव प्रियंका अपनी नई जिम्मेदारी को तैयार हैं। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। नहीं भूलना चाहिए कि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है तो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र बनारस भी यही है। प्रियंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन दिग्गजों से निपटने की होगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।